आज की स्टोरी ये है कि आज जा रहे हैं टैंक साफ करने के लिए। उन्होंने कहा है, भाई आतिफ भाई आप साथ होंगे तो ही कराएंगे, वरना हम नहीं कराएंगे। ये इंक्वायरी जो आई हुई है ये मेरे ऊपर जाने से पहले की है, तो मैं ऊपर पे जा रहा था। मैं बोला भाई मैं तो अभी नहीं आ सकता, तो अब जाके फ्री हुए तो उन्होंने बोला भाई आ जाए आप। तो मुझे भी उठना पड़ा सुबह सुबह, लेकिन सीन ये है कि मैं आ गया हूँ, बंदे नहीं आए। एक आया खाली, तीन बंदे शॉर्ट। तो आपके साथ कभी होता है ऐसा कि आप होते हैं और आपके वर्कर नहीं आते काम पे? बड़ा क्या मसला है ये इसके साथ? फिर बोलते हैं काम नहीं है हमारे पास, आते ही नहीं। तो ये सामान है टैंक का, अब ये निकालना पड़ेगा। लड़के आते हैं तो निकाल लें सामान, 10 बजे पहुंचना है, 9:30 का टाइम अभी हो रहा है, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। लेट क्यों आया बता? लेट क्यों आया? हाँ पेट्रोल खत्म हो गया था। देखो ये क्या कर, चल सामान निकल जल्दी से आगे। बिल्डिंग है, इसके अंदर टैंक निकालना है, साफ करना है, और लड़के अब आ गए। एक बंदा शॉर्ट है हमारा, वो बोल रहे हैं कि भाई रास्ते में हो। मैंने बोला भाई आप जो होता है जल्दी जल्दी। तो बस ये पहुँचते अभी इंशाल्लाह यहाँ से। ये टैंक के नीचे वाला यहाँ पे है और एक नीचे का रास्ता है। ये मोटर में पाइप बदलेंगे और ये मोटर जाएंगी इस टैंक के नीचे। ये सारा जितना भी गंदा पानी है सारी मोटर खींच लेगी और इसका पाइप मैंने निकालवाना होगा गटर के पास। वो सामने गटर है, यहाँ पे गटर बल्ला छोड़ना होगा। लगा दी हमने, बहुत ज़्यादा पानी है टैंक के अंदर। भाई टैंक की जब भी क्लीन करवाना हो, पानी का टैंक खाली करने बहुत ज़ाया होता है, दुख होता है। गुनाह में भी मिलता है भाई, खामे तो नहीं मिलता वो, लेकिन शरीक तो हो जाता है। कितना पानी ज़ाया हो रहा है इस वक्त, और तो बस अभी टाइम लगेगा काफ़ी, लेकिन घंटे तो उसमें खाली होने में लगेंगे इसको। मुझे खामा का इन्होंने बता दिया आपको, भाई आप भी आइएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चला सो रहा था अभी। लेकिन एक फ़ायदा है, मैं बाहर बैठा हूँ, सब सलाम करके जा रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई ऊपर फ्लैट से कोई बंदा आगे बैठा हुआ है। बड़े इलाके में आके बड़ा मजा आता है, एक अलग ही साफ अच्छे कपड़े पहन लो, साफ सुथरे टोपी वोपी लगा लो, तो समझते बंदा अमीर बनता है कोई, तो एक वाइब आ जाती है। तो वैसे तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बड़े बुरे हालात होने वाले मुल्क के, अल्लाह बचा ले मुल्क को भाई। अभी नाश्ता करने जा रहे हैं, 12:30 हो गए, पानी अभी तक खाली नहीं हुआ, मुझे बिठा के रखा भाई ज़बरदस्ती। तो असल में ताल्लुक़ अच्छे मेरे, वीडियोज़ वगैरह भी देखते हैं, तो मैंने बोला चलो यार कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, वरना बैठता नहीं हूँ इतनी देर। अभी तक खाली हो रहा है, बहुत पानी ज़ाया हो चुका है इस वक्त, तो बस अभी ऊपर से भी आ रहा है पानी, वहाँ से भी निकल ले। तो बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह लड़के टैंक के अंदर जाएंगे। अभी एक जगह में दूसरे बंदे को भेजने वापस ऑफिस जा रहा हूँ। गंदा पानी टैंक का, ये देखें कितनी मट्टी होती है टैंक के अंदर, ये देख रहे हैं सारी कीचड़ होती है। आपके टैंकों के अंदर सफाई नहीं कराते, तो ये देख रहे हैं ये होती मट्टी। अब हो गई है तकरीबन ये सारी मट्टी निकल जाएगी। मछली निकली है इतनी बड़ी, देखो ये देखें कितनी बड़ी मछली निकली है अंदर से, पता नहीं कितने साल से जी रही होगी यहाँ पे, बहुत पुरानी मछली है। असल सब तकरीबन साफ कर दिए, थोड़ा बहुत रह गया यहाँ पे, और ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा सारा। जमाने शर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हो, कमली में छुपा लेना, रुसवाए जमाना हो, दोजक से बचा लेना। पूरा क्लियर हो गया, चमक गया माशाल्लाह से, चमक गया माशाल्लाह से। नीचे से निकली हमने, साफ पानी डाला इसको, पता नहीं चलता रहेगी। ये देखिए हमने सारा टैंक साफ कर दिया, इसके अलावा इरिगेशन भी होती है। इरिगेशन टैंक में टर्माइट के हवाले से कोई भी काम हो तो भाई मुझे याद रखिएगा, अपना नंबर लिखिएगा, कॉल करिएगा भाई।